हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाएंगे मिट्टी के बर्तन में तुरई की भरवा सब्जी। और वो भी हम मसाला तुरई में भरेंगे नहीं, बिना भरे भरवा सब्जी बनाएंगे। और देखना आप इतनी टेस्टी बनेगी। और देख तो लिया आपने कितनी अच्छी लग रही है बनने में, तो आप वीडियो पूरा देखिए। तो उसके लिए मैंने चार तुरई, ज़्यादा कड़क नहीं लेनी, नरम नरम लेनी है। उसके मैंने छिलके उतार लिए और धो लिया। फिर ऐसे बीच में चीरा लगाना है और सारे तुरई के ऐसे टुकड़े कर लेने हैं। अगर तुरई थोड़ी बड़ी है तो आप छोटे टुकड़े कीजिए, और छोटी लंबी लंबी है पतली पतली तो थोड़े बड़े टुकड़े कीजिए। अब बनाएंगे मसाला। मसाला बनाने के लिए मैं लहसुन, हरी मिर्ची, नमक, नमक स्वाद के अनुसार, और मैंने यहाँ एक चम्मच और आधी चम्मच नमक लिया है। लाल मिर्ची पाउडर 2 चम्मच मैंने डाला, और हल्दी पाउडर डाला 1/2 चम्मच, थोड़ा सा जीरा और धनिया पाउडर। धनिया पाउडर बहुत ज़रूरी, अगर आपके पास धनिया पाउडर नहीं है तो आप जो पूरा धनिया होता है उसको डाल दीजिए, सूखा धनिया, वो मसाले में कूट जाएगा। अब मैंने ले ली मिट्टी की हांडी और उसमें डाल दिया मैंने तेल। तेल गर्म हो जाएगा, फिर डालेंगे उसमें जीरा, और फिर डालेंगे जो मसाला हमने बनाया था वो मसाला सारा डाल देंगे। हमने इसमें नमक मिर्ची सब डाल दिया, तो ऊपर से कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी मिर्ची और डालेंगे। फिर इसमें थोड़ा सा पानी डालकर उसको अच्छे से पकाएंगे मसाला, ताकि नमक मिर्ची अच्छे से मसाला पूरा पक जाए। जब पानी और तेल अलग अलग हो जाएगा तब मसाला अपना रेडी हो जाएगा, तेल निकल जाएगा। उसमें मैंने थोड़ी सी लाल मिर्ची और धनिया पाउडर ऊपर से और डाला तो टेस्ट अच्छा आएगा और कलर अच्छा आएगा। फिर जब मसाला पक जाएगा तो उसमें डालेंगे हम वो कटे हुए तुरई के टुकड़े, और फिर उसको मिक्स कर लेना अच्छे से, तो सब तुरई पर वो मसाला अच्छे से लग जाएगा। फिर थोड़ा सा पानी डालकर उसको फिर से चला लेंगे, और फिर उसको ढक देंगे। ढकने के बाद उसको 3 से 4 मिनट एकदम धीमी फ्लेम पर, एकदम लो फ्लेम पर उसको पकाना है। और मिट्टी के बर्तन में सब्जी बनने में थोड़ी सी देर लगती है, लेकिन बनने के बाद बहुत अच्छी लगती है और ठंडी भी नहीं होती जल्दी। तो अपनी सब्जी देखो रेडी हो गई है, बहुत अच्छी बनी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।